हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वाज कस्टम यूनियन ऑफ ज्वेलवेरिन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1834 में, और आपने पढ़ा ये उसके जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण फेवर में स्टेप था। ठीक है, ये फेवरेबल स्टेप था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन विच रीजन। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, तो सबसे पहले कृषि के सेक्टर में होती है। किसके सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु डिस्कवर्ड द ब्लास्ट फर्नेस। तो इसका जो आविष्कार है किसने किया था, खोज किसने की थी? हेनरी कोर्ट ने ब्लास्ट फर्नेस को डिस्कवर किया था, जिससे लोहे को गलाना और उसकी इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना इजी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज वॉर मिनिस्टर बाई विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट ने किसे वॉर मिनिस्टर नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? वॉन मॉल्टेक को विलियम फर्स्ट ने वॉर मिनिस्टर नियुक्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्टाइन टीटी वॉज हेल्ड बिटवीन विच नेशंस। तो ये ऑस्ट्रिया और प्रशिया या प्रशा के बीच जस्टाइन की संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हेन एंड वेयर वॉज कार्बोनी एस्टेब्लिश। कार्बोनी की स्थापना होती है 1810 में नेपल्स में, और बाद में जो मंजनी, जिसकी यंग इटली की स्थापना करता है, ये उसका स्थान ले लेता है, क्योंकि कार्बोनी धीरे धीरे लैप्स हो जाता है, चल नहीं पाता है। तो मंजनी के द्वारा बनाया हुआ यंग इटली कार्बोनी का प्लेस ले लेता है, जो इटली के यूनिफिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है बाद में। ठीक है, तो ये आपके हैं वेरी शॉर्ट आंसर। अब देखते हैं हम शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु फॉर्म्ड यंग इटली एंड व्हेन। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको पीछे बताया, यंग इटली की स्थापना मंजनी ने की थी 1831 AD में। ठीक है, जिसने कार्बोनी का प्लेस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? ठीक है, तो बिस्मार्क को विलियम फर्स्ट ने चांसलर नियुक्त किया था। ठीक है, और जो बहुत ही बेस्ट पॉलिटिशियन और कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, जब फ्रेडरिक विलियम की डेथ हो जाती है 1861 में, तो 64 ईयर का एक शासक है विलियम फर्स्ट, इसको बनाया जाता है रूलर। ठीक है, उसका ब्रेन बहुत ही ब्रिलियंट नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्तियों की जो क्वालिटी है उसको बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेता है, और फिर वो नियुक्ति करता है इसकी बिस्मार्क की एज अ चांसलर। ठीक है, तो जो विलियम होते हैं वो उसको एज अ चांसलर नियुक्त करते हैं, और वह ऐसा मानते थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैन बी डन बाई पुरुषिया थ्रू पावरफुल रूल एंड मिलिट्री। ठीक है, पुरुषिया के द्वारा ही, पावरफुल रूल मिलिट्री के द्वारा इसका यूनिफिकेशन हो सकता है। पुरुषिया बैनून वॉज मेड फॉर फ्रेंड एंड वॉन मॉल्के वॉज चीफ कमांडर। वेन कॉन्स्टिट्यूशनल हिंड्रेंस अक्वायर्ड इन द इशू ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म, देन द टू रिमूव हिज हिंड्रेंस विलियम फर्स्ट अपॉइंटेड द बिस्मार्क। ठीक है, जब आर्मी के रिफॉर्म पे कुछ झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो विलियम फर्स्ट बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त करते हैं। ठीक है, बिस्मार्क बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो मैटर्स हैं उसमें स्किल्ड होता है। ठीक है, और वेल्दी पर्सनालिटी होता है। तो इसके अनुसार उसने बताया, जो समय इन्होंने बिता दिया है बातचीत में, ठीक है, उसको कैसे हल किया जा सकता था? सॉल्व बाई पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। ठीक है, तो हेंस ड्यू टू इट्स कॉजेस टू मेक पुरुषिया पावरफुल। ठीक है, व्हेन मिलिट्री बजट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द बिस्मार्क गाज बाई गॉट इट पास बाई द अपर हाउस। जब लोअर हाउस से मिलिट्री के रिफॉर्म के लिए बजट नहीं पास होता है, तो उसको अपर हाउस से पास करा देता है। ठीक है, और मिलिट्री में नए नए रिफॉर्म करता है। तो ये यूनिफिकेशन था बिस्मार्क का, थोड़ा ब्रीफ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ प्रेग। प्रेग का जो समझौता हुआ है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ बिस्मार्क ऑफ एन आफ्टर जस्टिन एग्रीमेंट। जस्टिन एग्रीमेंट के बाद
जो बिस्मार्क का अगला कदम था वाज प्रिपरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की तैयारी। ऑन वन हैंड बिस्मार्क स्टार्टेड वॉर प्रिपरेशन, एक तरफ तो वो युद्ध की तैयारी कर देता है और दूसरी तरफ अपनी डिप्लोमेसी स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिससे कि ऑस्ट्रिया को हेल्प ना मिल पाए, जो फॉरेन असिस्टेंस है वो ना मिल पाए, ठीक है। ऑस्ट्रिया कुड नॉट गेट हेल्प फ्रॉम यूरोपियन नेशंस, जो यूरोपीय राष्ट्र हैं उनसे ऑस्ट्रिया को हेल्प ना मिले, ठीक है। तो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट था उसमें आपने पढ़ा जो इंग्लैंड था वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपना रहा था, ठीक है। तो इंग्लैंड वॉज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन यूरोपियन कॉन्फेडरेशन, यूरोपीय मामलों में उसने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इट गॉट सिंपैथी ऑफ रशियन बाय हेल्पिंग इन रिवॉल्ट बीइंग हेल्ड इन पोलैंड, पोलैंड में रशियन का जो युद्ध हुआ था उसमें इसने हेल्प की थी, तो उनकी ये सहानुभूति थी इसके प्रति। इट मेड फ्रांस टू रिमेन न्यूट्रल बाय प्रोमिसिंग ऑफ गिविंग फ्यू रीजन्स टू ऑफ रेनलैंड, और उसने फ्रांस को ये कह के न्यूट्रल कर दिया कि वो रेनलैंड का कुछ क्षेत्र है उसको दे देगा। तो ऑस्ट्रिया वॉज एन ऑब्स्टेकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या था, एक बाधा था। तो एक एग्रीमेंट होता है 1866 में पुर्शिया और सर्दिनिया के बीच में, इसमें तय क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इट सर्दिनिया स्टार्ट वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, सर्दिनिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करता है, ठीक है। तो अगर सर्दिनिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करता है तो उसको क्या हो जाए, क्या कर दिया जाएगा, वेंतिया वुड बी गिवन टू इट, तो उसको वेंतिया गिफ्ट में दे दिया जाएगा, ठीक है, अगर वो युद्ध की शुरुआत करता है। व्हेन जर्मन वर रिवोल्टिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, जब जर्मन ऑस्ट्रिया के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, इन होलस्टीन देन बिस्मार्क वाज सीक्रेटली सपोर्टिंग देम, तो बिस्मार्क उनकी गुप्त रूप से मदद कर रहा था, ये भी आपने पढ़ा चैप्टर में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रिया वॉज इंकरेजिंग मूवमेंट विच वॉज बींग हेल्ड इन होलस्टीन, दूसरी तरफ होलस्टीन में जो मूवमेंट हो रहा था उसको ऑस्ट्रिया इंकरेज कर रहा था इन द फेवर ऑफ ड्यूक ऑफ अगस्त क्लास, जो अगस्त क्लास के ड्यूक थे उनके फेवर में। ऑन दिस इशू अ वॉर वॉज बिगेन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पुर्शिया, इसी मुद्दे पे ऑस्ट्रिया और पुर्शिया के बीच युद्ध हो जाता है। बट ऑन 3rd जुलाई 1866 अ वॉर ऑफ वेरेडिक्ट वॉज हेल्ड ऑन सेदेवा एंड कॉन्ग्रेस इन विच ऑस्ट्रिया वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड, एक युद्ध होता है जिसमें ऑस्ट्रिया हार जाता है, टीटी ऑफ प्रेग साइन होता है बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पुर्शिया, और ये टीटी होता है 23rd अगस्त 1866 को। होलस्टीन डच वॉज इंक्लूडेड इन पुर्शिया, जो होलस्टीन का डच था वो पुर्शिया में इंक्लूड हो जाता है। नॉर्दर्न जर्मनी वॉज मेड अ सब फेडरेशन, जो उत्तरी जर्मनी है उसको सब फेडरेशन बनाया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ पुर्शिया, पुर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी का एक उप यूनियन संघ बनाया जाता है जिसमें ऑस्ट्रिया को सेपरेट रखा जाता है, अलग रखा जाता है, उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, अपने पढ़ा चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें ऑस्ट्रिया वॉज नॉट इंक्लूडेड, पुर्शिया के नेतृत्व में एक जर्मन परिसंघ बनाया जाता है और उससे ऑस्ट्रिया को अलग रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का यूनिफिकेशन 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेप कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैवर मर्जेस ऑफ सेंट्रल इटली, कैवर का कॉन्ट्रीब्यूशन और मध्य इटली का विलय। सेकेंड स्टेप है अचीवमेंट ऑफ लोम्बार्डी, लोम्बार्डी की कुछ उपलब्धियाँ। थर्ड स्टेप कोऑपरेशन ऑफ नेपोलियन, थर्ड तीसरा स्टेप ये था कि नेपोलियन थर्ड का कुछ सहयोग था एंड गरिबल्दी एंड मर्जर ऑफ नेपल्स एंड सिसली, गरिबल्दी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, सिसली और मर्जर ऑफ नेपल्स एंड सिसली का जो विलय है। तो 3 स्टेप्स में जो कार्य है पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द चेंजेस ब्रॉड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के दौरान जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन आए। द रियल स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज हेल्ड फ्रॉम मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो औद्योगिक क्रांति हुई वो मुख्य रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हुई। अप टू मिडिल 18th सेंचुरी द ओल्ड सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ इन यूरोप कुडन सप्लाई क्लॉथ अकॉर्डिंग टू डिमांड, 18th सेंचुरी के मध्य तक जो कपड़े की सप्लाई आपने पढ़ा मांग थी उसको जो ट्रेडिशनल मेथड था उसके आधार पर पूरा नहीं किया जा रहा था। अर्लियर कॉटन क्लॉथ्स वर इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, पहले जो कॉटन कपड़ा है वो भारत से इंग्लैंड जाता था, लेकिन जब पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे, तो फिर वो यहीं से रॉ मटेरियल लेके यहीं बनाने लगे और यहीं से इम्पोर्ट करने लगे। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ क्लॉथ्स यूज टू फुलफिल देम न्यू इन्वेंशन वर डन,
कपड़े की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नए नए आविष्कार हुए। एक फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ जॉन के द्वारा, ठीक है, 1733 में। इससे जो कपड़ा था कम समय में वाइड कपड़ा बनाया जा सका। फिर एक स्पिनिंग जेन्नी का आविष्कार होता है हरग्रीव्स के द्वारा, ठीक है, स्पिनिंग जेन्नी का इन्वेंशन करते हैं हरग्रीव्स 1765 में, जिससे संभव पाया मैनी यार्न्स बाय सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति कई सारे धागों के साथ क्या कर सकता था, बुनाई कर सकता था। रिचर्ड ऑकराइट इन्वेंटेड वाटर फ्रेम, रिचर्ड ऑकराइट ने 1769 में एक वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, ठीक है। जैसे मोर ड्यूरेबल बी मेड देन अर्लियर, जो थ्रेड था वो पहले से अधिक ड्यूरेबल बनाया जा सकता था। ही नेटेड यार्न नेट बाय म्यूल इन्वेंटेड बाय सैमुअल क्रॉम्पटन, सैमुअल क्रॉम्पटन ने एक म्यूल का आविष्कार किया, म्यूल इन्वेंटेड बाय सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। ये बहुत ही स्ट्रांग और गुड क्वालिटी का थ्रेड बनाती थी। इन 1787 पावर लूम वॉज इन्वेंटेड बाई एडमंड कॉर्टराइट, और 1787 में पावर लूम का आविष्कार किया गया एडमंड कॉर्टराइट के द्वारा। नेक्स्ट इज ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका उदय क्यों होता है, क्या कारण थे। तो उसके बहुत सारे रीजन थे, हमने आपको बताया। एक तो ये था, जो मिडिल वर्ग था उसका इमरजेंस होता है, उदय होता है, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है, ट्रेड में इंक्रीज होता है, वैसे वैसे एक जो नया सामाजिक वर्ग है वो इमरजेंस होता है, ठीक है। और उसमें शामिल कौन कौन सा था, लेबर वर्ग था, मिडिल वर्ग था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, ट्रेडर थे, तो मिडिल वर्ग का उदय होता है। दूसरा पॉइंट है लिबरल नेशनलिस्ट, जो उदारवादी थे, उन्होंने जो राष्ट्रवाद है उसकी जिम्मेदारी ली, जैसे उनको स्पीचेस देना है, राइटिंग का फ्रीडम है, और अपने एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम है, ठीक है, तो इसका वो प्रसार करते हैं जो लिबरल लोग हैं, उदारवादी। तो एक तो ये रीज़न है। थर्ड पॉइंट है इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है। तो जब इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति हो जाती है तो उससे लोगों को ये पता चलता है कि कुछ राइट्स उनको बाई बर्थ मिले हैं, जैसे उनकी फ्रीडम है उसको उससे कोई ले नहीं सकता है, कोई भी मोनार्कियल पावर, कोई भी जो राजतंत्रीय पावर है जो अपने आप को दैवीय अधिकार समझती है, ठीक है, तो उनको कोई ले नहीं सकता है। तो इस प्रकार लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है और यूरोप में रेवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर फोर है, 1815 के बाद एक नया जो रूढ़िवाद होता है, कंजर्वेटिव्स ऑफ 1815, ठीक है। तो पॉइंट नंबर फोर हो गया। पॉइंट नंबर फाइव है, कुछ रेवोल्यूशनरीज हुए हैं 1850 के बाद, कई वर्षों के उनके दमन के बाद जो अनेक राष्ट्रवादी थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो क्रांतिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनको उनके विचारों का प्रसार करना, बहुत सारे सीक्रेट एसोसिएशंस बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो अपनी फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशन करते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स है, वह जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एंड फॉक टेल्स, भाषा और लोक कथाएं, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो अपने अपने स्तर से लोग लिखते हैं, भजनों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कला के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत करते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स के तहत आपको इस क्वेश्चन में आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस इन्वेंशंस मेड इन डिफरेंट सेक्टर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे आविष्कार होते हैं, तो उसके बारे में बताइए। औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत, वैसे तो कहते हैं कि जो सबसे पहला रिफॉर्म किया गया वो एग्रीकल्चर सेक्टर में किया गया, लेकिन मुख्य रूप से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इसकी शुरुआत होती है। तो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से शुरुआत होती है और इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसको पूरा करने के लिए कई सारे इन्वेंशंस किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक फ्लाइंग शटल रूम की इन्वेंशन, जो फ्लाइंग शटल रूम है उसका इन्वेंशन करते हैं जॉन 1733 में। तो ये जो फ्लाइंग शटल रूम का इन्वेंशन होता है, इसका क्या यूज होता है, इसकी सहायता से जो कपड़ा होता है, आपने पढ़ा कि कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है।
और बाद में हरग्रीव्स ने 1765 में एक कताई मशीन बनाई। ठीक है, इसके साथ आपने पढ़ा जो एक व्यक्ति है कई सारे धागे जो है वो एक बार में उनको काट सकता था। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट उन्होंने नए नए इन्वेंशंस किए हैं इनके बारे में मेंशन करना है और उसका यूज़ क्या था। प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब मेजर हर्डल्स एंड सपोर्ट एलिमेंट्स इन डिटेल ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ तो उसमें क्या समस्याएं थीं और कौन कौन चीज़ें सपोर्ट पक्ष में थीं। ठीक है, जिस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था तो उसके बारे में लिखिए। तो आपने पढ़ा समस्याएं क्या थीं, जो जर्मनी की प्रॉब्लम्स थी उसमें ऑस्ट्रिया का हमेशा इंटरफेयर रहता था। ठीक है, और पढ़ा आपने जर्मनी जो स्टेट थे उसमें पांथिक सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं थीं, ये ऑब्स्टेकल था। तो नियर अबाउट 5 पॉइंट्स थे ऑब्स्टेकल में और इसके सपोर्ट में क्या क्या था। तो आपने पढ़ा है जोलवेरिन जो समझौता स्थापित किया जाता है प्रुशिया की पहल के द्वारा, आर्थिक समझौता आपने पढ़ा जो पहले 11 टाइप के कर देने पड़ते थे उनको 30 से 2 कर दिया गया था। इंटेलेक्चुअल का मूवमेंट भी होता है। पॉइंट नंबर थर्ड औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो होता है। तो ये आपको बुक से मिल जाएगा कि फेवर पॉइंट कौन कौन से थे और अगेंस्ट में कौन कौन से थे, कौन कौन से बाधा बन रहे थे और कौन कौन से सपोर्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन डिटेल। इटली का जो एकीकरण होता है उसकी प्रक्रिया को आप डिटेल में बताइए। तो आपने पढ़ा इससे पहले कि इटली का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होता, बिफोर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इटली देयर वाज इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन वाज स्टार्टेड। ठीक है, तो इसके लिए कार्बोनरी एक आपने पढ़ा होगा उसकी स्थापना की गई। तो कार्बोनरी किसी वजह से नहीं चल पाता है, फिर यंग इटली की स्थापना की जाती है मंजनी के द्वारा। ठीक है, तो और मंजनी ये कार्बोनी का स्थान लेता है। कार्बोनी एक ऐसा संगठन था जिसमें यंग पीपल्स जो चाहते थे कि हम एक हो जाएं यूनिफाइड हो जाएं वो उनको भर्ती किया जाता था। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने इसमें प्रयास किया और 1860 में जो दक्षिणी इटली के प्रदेश हैं ठीक है तो उसको स्पेनिश शासन से मुक्त करा लिया जाता है। बाद में सबसे जो अंतिम मर्जर होता है वो होता है रोम का विलय। ठीक है, तो रोम का विलय होने के बाद आपने पढ़ा रोम अगर नहीं इटली में शामिल होता है तो जैसे विदाउट सोल के आपका बॉडी रहता है तो ऐसे ही था। और रोम का जो आधिपत्य है कब्जा है वो किसका रहता है, पोप का रहता है। तो इस प्रकार वो अपनी कॉन्स्पिरेसी से अपनी चाल से कैसे जो फ्रांस ने सिक्योरिटी दे रखी थी पोप को, ठीक है, तो फ्रांस में युद्ध छिड़ जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, फिर वो फ्रांस अपनी जो आर्मी होती है वो रोम से वापस लेता है, तभी क्रांतिकारी मौका पाके रोम पे कब्जा करते हैं और उसको अपने अंडर में ले लेते हैं और उसको अपनी इटली की राजधानी बना लेते हैं जो स्टिल अभी तक है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें अवश्य बताएं। ओके।